रामगढ़ गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए एक पिज्जा ले आ। ये सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों की खाने वाली चीजें होती हैं। तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा तुम्हारे लिए। तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पिज्जा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वो सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा ले जाता हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। इतने सोचने के बाद गौरव पिज्जा लेने चला जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंता में उसे फोन लगाती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, ए भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उसकी यह हालत देख पड़ोसी उसे सांत्वना देकर चले जाते हैं। सुधा अपने बेटे की चिता को जला देती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती थी। बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। अपनी ऐसी हालत देख वो सोचती है, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुख बताती है। क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे। अचानक उसे पिज्जा का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे होते हैं, उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका बनाया पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उससे खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा, तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो, तुम चिंता मत करो,
आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है। वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है।